सो गाइस मेरी मेहंदी लग गई और ये देख लो आप कितनी सुंदर लगा के गई है राखी। और आप लोगों की तैयारी हो गई, मेरी तो चल रही है अभी। सो गाइस देखिए मैंने ना मेहंदी छुटा दी है और ऐसा कलर आया अभी। तो अब मैंने इसको, होता है ना लॉन्ग क्लोव्स, उसका धुआं लगाया है तवे पर उसको जला के। सो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ और फिर ऊपर से ना ऑयल लगा रखा है थोड़ा। तो अब देखते हैं कि कैसा कलर आता है। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? हाँ मैं ठीक हूँ और चल रही है तैयारी। मतलब पता है क्या होता है कि कोई ना कोई चीज़ ना रह ही जाती है कि अरे ये तो रह गया, चलो ये मंगा लो, ये कर लो, वही चल रहा है मेरा अभी तक। सो चलिए बने रहिए मेरे साथ और मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या शॉपिंग की है मैंने और कल मैं क्या 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 पहनने वाली हूँ। ठीक है तो दिखाती हूँ। सो गाइस देखिए मेहंदी देखिए, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई, पहले पीली थी ना अभी थोड़ी गाढ़ी हो गई। मैंने इसको ना क्लोव्स का धुआं दिखाया। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। साड़ी तो मैं आपको ना कल ही दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि साड़ी का तो ये है ना कि मैं कल पहनूंगी। सो वो है सरप्राइज। आपको एक बात बताती हूँ कि क्या हुआ कि मैं ना स्लैक्स लेकर आई, अब एक बार पहनकर एक ही वॉश में ना वो ख़राब हो गई। तो मैं फिर जब इस बार गई तो मैं वो स्लैक्स वापस लेकर गई, जो उसके साथ लेकर आई थी ना तो मैं वो भी लेकर गई। मेरे को लगा कि फिर वो भी ख़राब ही हो जाएंगी, तो मैंने उसको बोला स्लैक्स वाले को कि भैया मैं ये स्लैक्स आपसे लेकर गई थी और ना ये उसने मेरी बात नहीं सुनी। और ना वो मेरी बहन, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरे को इतना बुरा लगा, मैंने ना एकदम अपना पिच हाई कर लिया वॉइस का। क्या बोल रहा है, पहले मेरी बात सुन भाई, बाद में अपना बोलियो कुछ। पता है कभी कभी आपको पोलाइटली ना बोलना नहीं चाहिए, आपको एकदम से पिच हाई कर देनी चाहिए। उसने मुझे वो स्लैक्स भी चेंज करके दी, हालांकि उसमें और 50-50 रुपए गए थे, और जो मेरी स्लैक्स खराब हो गई थी वो भी चेंज करके दी। तो समटाइम्स आपको हार्ड बन जाना चाहिए एकदम से, मेरी तरह जैसे मैं बन गई थी। अगर नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, ये वो सुन लो प्लीज, ये करते तो जाते मेरे पैसे पानी में। मेरे एकदम ऐसे त्योरियाँ चढ़ा के, और फिर उसे क्या बोल रहा है पहले सुन, फिर उसने सुना। सो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, ठीक है। देखिए ये करवा चौथ माता की तस्वीर, ये लेकर आई हूँ एक तो, और करवा ना बाहर रखा है, वो पूजा का सामान ना मैं आपको कल दिखाऊंगी। ये देखिए, ये ना मैं वेलवेट की चूड़ियाँ लेके आई हूँ इस बार, ये देखिए कितनी अच्छी है ना। मैंने ना जो साड़ी ली है ना उसमें ना 3-4 कलर है, तो उनका ही कॉम्बिनेशन बना के मैं चूड़ियाँ लेकर आई हूँ। ये हल्का मजेंटा कलर है और ये ऑरेंज कलर। सो इन्हीं तीनों चारों, एक गोल्डन कलर भी है, मतलब गोल्डन तो मैं कड़े लगा लूंगी। और एक देखिए ये कड़े लेकर आई हूँ, ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे, हालांकि मैं पहनती नहीं हूँ बट कभी कभी जैसे कहीं जाओ या कोई फेस्टिवल हो तो डाल लो। 250 के मिले मुझे, ये अच्छे लग रहे हैं ना। और तो मैं ये जो स्लैक्स बता रही थी ना, ये वो है रेड वाली जो चेंज करके लाई हूँ, और दो वाइट वाली ये भी चेंज करके मैं लेकर आई हूँ, एक गोल्डन लेकर आई हूँ और एक दुपट्टा है वाइट। सो पता है क्या, पर एक लाई मैं अपने लिए ये नाइटी, ये 375 की मिली है मुझे, तो ये भी मुझे सही लगी। सो गाइस पता है आपको एक बात कि मेरे को ना एक बहुत बुरी आदत है, वैसे तो बहुत सारी आदतें हैं मेरे अंदर बुरी, एक बहुत बुरी है कि अगर मेरे पास ना 4 कुर्ते रेड हैं तो मुझे उन चारों के साथ ना रेड कलर की जो लेगिंग होती है, स्लैक्स होती है, वो मुझे अलग चाहिए। अगर मेरे पास 5 वाइट कुर्ते हैं, वाइट में जो मैच कर जाए, मतलब जैसे कि ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन, रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन, और उसमें वाइट मुझे मैच करनी है, तो मुझे 5 ही स्लैक्स चाहिए। मैं कभी भी ना रिपीट नहीं करती, एक कुर्ते की स्लैक्स दूसरे कुर्ते के साथ नहीं पहनती, वाइट
खासकर, और भी सारी कलर की मेरे साथ यही आदत है, मुझे लगता है कि ना खराब हो जाता है, तो इसीलिए ना मैं बल्क में ले आती हूँ वाइट स्लैक्स भी, क्योंकि अभी कुर्ते ना जो मेरे हुए हैं वो कई हो गए हैं ऐसे, जैसे पिंक है, रेड है, और भी कई हैं, ब्लू है, उनके साथ वाइट जाएगी, सो इसीलिए मैं ले आई। लेकिन आपको मैं एक सीक्रेट बताऊँ, सीक्रेट नहीं है ये, मैंने ऐसे सोचा है, मैं आने वाले 6 महीने तक दिवाली के बाद कोई शॉपिंग नहीं करूंगी। बहुत शॉपिंग हो गई है अभी, और देखिए ये बिछुए, ऐसे ही बिछुए पहनती हूँ छोटे छोटे, तो ये बिछुए हमेशा ना भाभी लाती हैं मेरे लिए, वैसे तो वो बहुत सारी चीज़ें देती हैं, बट ये बिछुए भी वही लाती हैं, मैं कभी नहीं खरीदती, वही देती हैं मुझे हर बार, सो उन्होंने मुझे अभी भिजवा दिए हैं, और मेरी ऑलमोस्ट पूरी तैयारी हो गई है, पूजा का पूरा सामान, मेरा अपना सामान, मेरा मेकअप का सामान तो आपने देखा ही है, सब कुछ है मेरे पास, मेहंदी भी लग गई है, कलर नहीं लगाया इसीलिए मैं आपको ऊपर से नहीं दिखा रही हूँ अपना फेस, वाइट बाल लग रहे हैं, पता है लोग ना मैसेज करके टोक रहे हैं कलर लगा लो, कलर लगा लो, क्योंकि आप चेहरे से तो यंग हैं, बालों से बूढ़े लग रहे हो सो मैं कल कलर भी लगाऊंगी। और ये छोटी सी क्लिप है, व्यूज आए ना आए, लाइक्स आए ना आए, बट मेरे लिए बहुत अच्छी मेमोरी होने वाली है ये, आई एम सो एक्साइटेड, यू नो, मतलब ये सब ना मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है कि मैं यूट्यूब पर ये सब चीज़ें कर रही हूँ और बोल रही हूँ, और ये सब चीज़ें ना सेव रहेंगी मेरे पास, जब मर्जी मैं देख सकती हूँ, सो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड। कल तो बहुत कुछ होने वाला है, क्या कल संडे है ना, तो नई नई चीजें होंगी जो आपको वीडियो में देखने को मिलेंगी। हाँ, कल हमारे घर में चिमनी भी लगने वाली है, हाँ। तो कल जो है भाभियाँ वगैरह भी सब यहाँ आएंगी, मम्मी आएंगी कथा सुनने के लिए, और हम सब एक साथ करेंगे, और मुझे अच्छा लग रहा है बहुत, मेरी मेहंदी डार्क हो जानी चाहिए रक्षाबंधन पे भी नहीं होती है, इतनी रह जाती है, बट ये हो जानी चाहिए। सो चलिए अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मैं सामान तो बहुत लाई हूँ, मतलब जितना भी लगता है पूजा वगैरह में वो सब मैं आपको कल दिखाऊंगी, आपको कल के वीडियो में मिलेगा, जो कि जाएगा मंडे को, नॉट संडे को। सो मेरा लुक कैसी लगूंगी, हाँ ठीक लगूंगी, अच्छी लगूंगी। सो मैं आपको ये वाला वीडियो, आपको जो मतलब इससे नेक्स्ट होगा, जो कल का होगा करवा चौथ का, वो आपको मिलेगा मंडे को, और तब तक आप इंजॉय करिए, मैं भी करती हूँ, आप भी त्यौहार मनाइए, मैं ही मनाती हूँ, और हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी शादीशुदा फ्रेंड्स हैं मेरी, सबको करवा चौथ मुबारक, और सबका अच्छे से जाए दिन, और मेरा भी अच्छे से जाए, और मैं इसी कामना के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ, बाय।